पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनकी पहचान उनके राष्ट्रवादी विचारों से है। डंके की चोट पर जब अपने विचार रखते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनसे देश के कट्टर मौलाना भी भिड़ने से पहले 100 बार सोचते हैं, जब सनातनी धर्म पर बोलते हैं तो उन्हें सुनने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। विरोधी उन पर एक विशेष धर्म से नफरत करने के आरोप लगाते हैं, लेकिन असल में उनका काम ही धर्म के नाम पर गुमराह हो रहे लोगों को आईना दिखाना है। बीते दिनों बतौर विचारक और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपने परिवार समेत शिव की नगरी काशी पहुंचे और यहां परिवार समेत दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती के बाद जैसे ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का पत्रकारों से सामना हुआ, उनसे अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद को लेकर पूछा गया और जिस तरह हिंदुत्व की मशाल लिए राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम दे रखा है और ऊपर से पीएफआई के मदीन शेखानी की धमकी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। धर्म के नाम पर देश में हो रही इस सियासत पर किस तरह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने एक और कट्टर मुस्लिमों को आईना दिखाया और संविधान को सर्वोपरि बताया और इस्लाम से किस प्रकार दुनिया को डराने की कोशिश की जा रही है, ये सब किस तरह उन्होंने बताया, देखिए। इस देश में एक सरकार है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है। अब ये जो बहस है कि साहब अजान जो है लाउडस्पीकर पे होनी चाहिए, तो उसके 3 उत्तर हैं। एक बेसिक उत्तर तो ये है कि जब 1400 साल पहले अजान दी गई थी तब लाउडस्पीकर नहीं था, इसलिए इसका कुरान से तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इसका संवैधानिक है। जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया, जस्टिस तहलियानी साहब ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, उन्होंने भी दे दिया, उसको एंडोर्स भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप इतने बजे से इतने बजे तक किसी किस्म का कोई हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, आप लाउड स्पीकर लगा करके ये नहीं कर सकते, तो आप उसको भी नहीं मान रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस्लाम के उत्पत्ति से लेकर आज तक पूरी दुनिया में इस्लाम से दुनिया को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर भारत में मुसलमान रहते हैं तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, हवाई जहाज का जब टाइम होता है फ्लाइट पकड़ने का तो अजान दे के बुलाया जाता है? रेलवे में जब आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो ट्रेन आपको अजान दे के बुलाती है कि आप आइए, ट्रेन का टाइम हो गया, बैठिए, चलिए। तो नमाज का टाइम आज से 1400 साल पहले जब न घड़ी थी न कुछ था, तो उस वक्त तो समझ में आता है कि अजान दी जाती थी और लोग आ जाते थे कि भाई नमाज का वक्त हो गया। आज इस दौर में तो सब कुछ है आपके पास, आप ऑफिस जाते हैं, घड़ी देख के जाते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो अजान एक तरीके का आपने इस्लामिक हथियार बना दिया है कि हम इसकी आड़ में गुंडागर्दी करेंगे। जैसे फतवा जो है, हर आदमी पे फतवा जारी हो जाता है, हर ऐरा गैरा दो दो कौड़ी का इमाम और मस्जिद से जो दिल चाहे, हर चौराहे पे हर आदमी एक फतवा जारी कर रहा है। भाई फतवा जारी करने का तुम्हें अधिकार जब है जब तुम इस्लामिक कंट्री में रह रहे हो और कोई मुसलमान अल्लाह की या कुरान की तौहीन कर रहा हो, जो तुम्हारे उस मजहब को मानता ही नहीं है, जिसका अल्लाह पे ईमान ही नहीं है, तो उसकी तौहीन कैसी, तुम्हें उस पे फतवा देने का अधिकार किसने दिया है? तो ये फतवा भी जो है इस्लाम की आड़ में खुली गुंडागर्दी है। तो मेरा कहना यह है, या तो ये तय हो जाए कि देश रोज़ कुरान शरीफ से चलेगा कि आज हम अजान जो है वो कुरान में लिखा है, फिर हिजाब लिखा है, फिर इसमें ये लिखा है, फिर तो उस कुरान की एक आयत ये भी कहती है सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कि काफिरों का कत्ल जस्टिफाई है। तो क्या इस देश की अदालतें, क्या इस देश की सरकारें कुरान की रोशनी में ये फैसला देंगी? लिहाजा अगर भारत देश की बात होगी
तो संविधान सर्वोपरि है, आईपीएससी सर्वोपरि है, आपकी किताब क्या कहती है ये आपका पर्सनल मैटर है। और ख़ासतौर से उस वक्त जब ये इस्लामिक देश नहीं है, आप इस्लामिक देश में मांग करें, आप जो दिल चाहे करें वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपका देश ही भारत तो इस्लामिक देश में है ही नहीं। अब अगर कोई अजान के ख़िलाफ़ उठा करके हनुमान चालीसा बजा रहा है तो उनसे भी मेरा सवाल है, हनुमान चालीसा इससे पहले क्यों नहीं बजा रहे थे आप? अगर आपके अंदर अपने धर्म के प्रति, हनुमान जी के प्रति, भगवान राम के प्रति आस्था थी तो आप पहले से बजाते। अजान थी या नहीं थी, अजान हो रही है नहीं हो, अगर कल अजान बंद हो जाएगी मान लीजिए तो आप फिर हनुमान चालीसा बंद कर देंगे? इसका मतलब है कि आप हिंदुओं की आस्थाओं और परंपराओं का इस्तेमाल करके आप कोई राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं। हनुमान चालीसा तो फिर हमेशा पढ़ा जाना चाहिए ना, कि किसी ने अजान दी तो उसको काउंटर करने के लिए आपने हनुमान चालीसा का वो करना शुरू कर दिया, तो वो मूलतः इसलिए, वो तो आप काउंटर करें, आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स काउंटर करें, लेकिन मेरी आस्था हनुमान में है। लेकिन हनुमान की आस्था का इस्तेमाल करके आप कह रहे हो कि मैं अजान के समय ही बजाऊंगा, तो अजान का तो हमारे यहाँ तो नहीं लिखा कि 5 वक्त अजान, आपको जो करना है करिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको अजान का काउंटर करना है। अजान 5 वक्त हो रही है लाउड स्पीकर लगा कर, ये इल्लीगल है, ये गलत है, संवैधानिक तौर पर गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ये एक अलग विषय है, लेकिन उसको बंद कराने के लिए आप मेरी आस्थाओं से क्यों खेल रहे हैं? आप अगर हनुमान के भक्त हैं तो आप हनुमान का दिन तय करें कि मंगल के दिन 1 घंटे बजेगा तो बजाएं आप, लेकिन किसी को काउंटर करने के लिए एक अगर पागलपन कर रहा है तो आप पागलपन कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा ना। उनको जो कुछ करना है करें, लेकिन हनुमान चालीसा का इस्तेमाल ना करें ना, वो मेरी भावनाओं का मामला है यार। घोषणा के लिए होती है वर्ती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या पशुवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा।